नमस्कार। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस बात का फैसला 21 जुलाई को हो जाएगा। फिलहाल चुनावी मैदान में खड़े दोनों उम्मीदवारों की किस्मत को कैद किया जा रहा है। एक तरफ है यूपीए के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा, तो दूसरी तरफ है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। यूं तो ज्यादातर दल द्रौपदी के समर्थन में उतर आए हैं। उनका वोट परसेंट 60% माना जा रहा है, जो सीधे सीधे उनकी जीत दिखाता है। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति के खेल में कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसी बीच अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया कि उनके चाचा और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भड़क गए। दरअसल इन राष्ट्रपति चुनावों में अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का फैसला किया है, जिस पर शिवपाल ने सवाल उठाए हैं। शिवपाल ने भतीजे अखिलेश के लिए खुला खत लिखा। इसमें शिवपाल ने अखिलेश से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने से पहले पुनर्विचार करने के लिए कहा। शिवपाल ने अखिलेश को पुराना किस्सा भी याद दिलाया। दरअसल बहुत साल पहले यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई एजेंट बता दिया था। इसी का जिक्र करते हुए शिवपाल ने कहा कि यशवंत ने कभी मुलायम को आईएसआई का एजेंट कहा था और ये बात उन्हें काफी परेशान करती है। दुर्भाग्य है कि पार्टी को कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिसे वो समर्थन करते। नेताजी को आईएसआई का एजेंट कहने वाले यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनावों में समर्थन देने से पार्टी मजाक का पात्र बनकर रह गई है। वैसे अखिलेश सिर्फ यशवंत का समर्थन ही नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके साथ प्रेस वार्ता में बैठे हुए भी नजर आ रही हैं। हाल ही में यशवंत ने मीडिया से बात की थी और इस दौरान उनके साथ अखिलेश और जयंत दोनों नजर आए थे। सुनिए क्या कुछ कहा था उस दौरान यशवंत सिन्हा ने। I shall be answerable to the Constitution and the Constitution alone. संविधान के प्रति जवाबदेह होऊंगा, केवल संविधान के प्रति। और इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जो भी प्रधानमंत्री है उसके साथ टकराव के रास्ते हम चल पड़े। नहीं, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत करके एक रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कई बार हुआ है पूर्व में। खैर, पिता मुलायम को आईएसआई एजेंट बताने वाले यशवंत का समर्थन करने वाले अखिलेश के लिए शिवपाल यादव ने पत्र में क्या कुछ लिखा था ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, मैं आपका और समाजवादी पार्टी के शुभ चिंतकों का ध्यान एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ये नियति की अजीब विडंबना है कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसमें हम सभी के अभिभावक और प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी को उनके रक्षा मंत्रित्व काल में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था यानी आईएसआई का एजेंट बताया गया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रपति प्रत्याशी के तौर पर एक अदद समाजवादी विरासत वाला नाम न मिले। यशवंत सिन्हा को लेकर एक बार फिर चाचा भतीजे में ठनी हुई दिख रही है। वैसे दोनों के बीच की दार तो तभी से देखी जा रही है जब से सपा चुनाव हारी है। खैर, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।